आप लोग, आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस मेरा नाम है मनीष सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मजीद, और मैं आपका स्वागत करता हूँ टीवी टेक गुरु मजीद के एक और नए एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर हम आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सवालों का सिलसिला। तो सर, जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ अ सीसीएनए एम्प्लॉय। सीसीएनए एम्प्लॉय का काम क्या होता है? सो बेसिकली सीसीएनए एक नेटवर्किंग कोर्स है, तो डेफिनेटली नेटवर्किंग कोर्स करने के बाद में तो आपको नेटवर्क से रिलेटेड ही काम करना होगा। तो नेटवर्क जो है वो आप मैनेज भी कर सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं, आप कॉन्फिगर भी कर सकते हैं, ट्रबल शूट्स वगैरह करनी होती हैं, डे टू डे ऑपरेशंस जो होते हैं उनको आपको एग्जीक्यूट करना होता है, या फिर आप सीसीएनए करने के बाद में अगर आप नॉक इंजीनियर बनते हैं तो डेफिनेटली आपको नेटवर्क से रिलेटेड जो सपोर्ट है अपने क्लाइंट्स को देनी होती है। यही काम होते हैं एक सीसीएनए कंप्लीट करने के बाद। जी ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई आस्क यू वन क्वेश्चन, प्लीज गिव मी द आंसर। क्या आपने नेटवर्क इंजीनियर इंटरव्यू इंग्लिश में दिया था? अगर हाँ तो कैसे? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने कि आपने कभी नेटवर्क इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में दिया है। तो इंग्लिश कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं मेरी बात करूँ तो डेफिनेटली मुझे सिर्फ, मैंने याद है मुझे एक बार जब स्टार्ट किया था जॉब तभी मैंने इंटरव्यू दिया था, उसके बाद में मैंने कभी इंटरव्यू दिया नहीं ऑनेस्टली। उसका कारण सिर्फ यही रहा कि मेरा जो काम था वो प्रोजेक्ट्स में था, जो कि रेफरेंस बेसिस पे जो है आगे से आगे बढ़ता चला गया, इसलिए मुझे इंग्लिश में या हिंदी में इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैंने कई सारे इंटरव्यूज जो हैं वो हिंदी में और इंग्लिश में लिए। तो क्वेश्चन तो चाहे वो इंग्लिश कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ लैंग्वेज। अब वही क्वेश्चन अगर आप हिंदी में पूछेंगे तो वो हिंदी का इंटरव्यू बन गया, अगर वही क्वेश्चन जो है आप इंग्लिश में पूछ लेते हैं तो आप एक इंग्लिश का इंटरव्यू बन गया। सो आई डोंट सी एनी डिफरेंस इन दैट। जी ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ऑलरेडी परचेज अ कोर्स फ्रॉम माय वेबसाइट बट इट इज नॉट प्लेइंग, रेज अ कंप्लेंट थ्रू मेल बट नोबडी रिस्पोंडेड। देखो मैं पहले भी हमेशा बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी हमारे द्वारा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आपने कोई कोर्स परचेस करे हैं और उससे रिलेटेड कोई भी आपको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा जो सपोर्ट के व्हाट्सएप नंबर है या कॉल है उस पर आप रीच आउट करें। जिसका टाइमिंग कॉल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप 10:30 से लेके 5 बजे के बीच में वर्किंग आवर यानी कि मंडे से लेके सैटरडे तक जो है डेज में कर सकते हैं, संडे ऑफिस बंद रहता है। लेकिन अगर आपने मेल किया है तो आई थिंक वो मेल कहीं ना कहीं स्पैम में चला गया होगा, तो इस वजह से शायद मिस हो गया होगा। बट हम लोग जनरली ज्यादा हमारी जो सपोर्ट टीम है वो एक्टिव है व्हाट्सएप के ऊपर में, तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें, और वैसे भी मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है तो आप आई एम श्योर कि रीच आउट करेंगे थ्रू व्हाट्सएप। जी ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इफ यू आर यूजिंग अ वीलैन कॉन्सेप्ट विद आवर सीसीटीवी कैमरा आर इन डिफरेंट वीलैन, वी कैन नॉट एक्सेस देम लाइक दिस। देखो मैंने एक वीडियो अपलोड करा था जिसके संदर्भ में ये जो आप जो क्वेश्चन है आपने पूछा है, तो बेसिकली उसके अंदर मैंने एक इन्फॉर्मेशन बताई थी किस तरीके से आप किसी भी सीसीटीवी नेटवर्क की जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं। सो बेसिकली अगर आप एक हैकर हैं तो हैकर के लिए देयर इज नो वीलैन, राइट। हैकर अगर फायरवॉल को बाईपास करके आगे जा सकता है, हैकर अगर एंटीवायरस को जो है करके आगे जा सकता है, हैकर्स अगर रैंसमवेयर अटैक, इवन दो फायरवॉल इज एक्टिव, इवन दो योर लोकल कंप्यूटर्स के अंदर सर्वर्स के अंदर जो एंटीवायरस लगे हुए हैं वो भी एक्टिव है, अप टू डेट है, बट स्टिल रैंसमवेयर अटैक्स हो जाते हैं। सो फॉर हैकर के लिए ये कोई वीलैन कोई बहुत बड़ी सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन नहीं है, इट जस्ट अ पार्ट ऑफ स्मॉल नेटवर्क के, कुछ आप कह सकते हैं एक साधु के लिए। जनरली हम लोग एक कहानी, मैं हमेशा कई बार बोलता हूँ अपने जो स्टूडेंट्स हैं या मेरे साथ में काम करते हैं उनको बोलता हूँ कि जो ताले होते हैं ना वो सिर्फ साधुओं के लिए होते हैं, जो चोर हैं उनके लिए वो ताले कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि मैंने देखा है प्रैक्टिकली कि आप चाहे कितनी भी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर लें लेकिन जो हैकर्स हैं वो हैकर्स हैं। सो देयर इज नो वीलैन कॉन्सेप्ट फॉर द हैकर्स। यस ओके, नेक्स्ट आ रहा है, आईएसपी पर फुल प्रैक्टिकल बनाओ, वीडियो बनाओ सर, हम किस तरीके से इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। यस, आईएसपी किस तरीके से इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड करता है इसके ऊपर मैं पूरी फुल वीडियो जो है वो डेफिनेटली बहुत जब
बहुत बार जो है रिक्वेस्ट आई हुई है, तो मैं उसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। एक बहुत बड़ी वीडियो जो है जिसके अंदर राइट फ्रॉम द बिगनिंग किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर करके जो है आगे तक पहुंचाया जाता है, पूरी एक फुल वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीक मैं प्लान कर रहा हूँ कि आप लोगों तक पहुंचाई जाए। जी ओके सर, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, CCNA का न्यू सिलेबस आने वाला है क्या 2024 में? CCNA का न्यू सिलेबस, देखो CCNA का जो सिलेबस है CCNA 200-301 जो इसका एग्जाम है बेसिकली, उसमें कुछ अपडेट्स किए जा रहे हैं। तो यानी कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिकल चेंज नहीं, लेकिन कुछ ऐसे ड्रास्टिक ऐसे चेंजेस जो है वो होने जा रहे हैं। तो उसके लिए तो मैं पूरी डिटेल में वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो इस चैनल के ऊपर मैं अपलोड होगी उसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर मैं अपलोड करने वाला हूँ। जस्ट टू आंसर योर क्वेरी, 19 अगस्त 2024 तक जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है, अगर आप में से कोई भी एग्जाम लेना चाहता है जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है 200-301, आपके पास 19 अगस्त 2024 तक का समय है, आप ये एग्जाम ले सकते हैं। लेकिन 20 अगस्त से जो अभी चेंजेस हुए हैं, जो अपडेट हुआ है सिलेबस कुछ एग्जाम के अंदर किया है, बहुत ज्यादा नहीं किया लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन है जहां पे किया गया है। हालांकि अगर आपने मेरे से कोर्स लिए हुए तो डेफिनेटली उसके अंदर जो है एक या दो पार्ट ऑप्शंस ऐसे हैं जो नहीं है, बट वो भी हम जो है अपडेट कर देंगे। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे हुए हैं जो ऑलरेडी हमारे कोर्स के अंदर अवेलेबल हैं। सो दैट इज द बेस्ट ब्यूटी ऑफ यू नो लर्निंग नेटवर्किंग फ्रॉम मी, क्योंकि वो चीजें ऑलरेडी हमारे कोर्स के अंदर हमने आपको पढ़ाई हुई है। तो खैर एनीवेज, उसको भी मैं आपको डिटेल के अंदर एक अलग से वीडियो अपलोड होने वाला है जो भी सिलेबस अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग। सो यस, सिलेबस अपडेट हुआ है बट नॉट बहुत ज्यादा, जैसे हमेशा बहुत ज्यादा ड्रास्टिकल चेंजेस आ जाते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत ही नॉमिनल सा चेंजेस हुआ है। और वो आपका 20 अगस्त से जो है, यानी 20 अगस्त 2024 से ये इफेक्ट होने वाला है। तो अगर आप में अभी तक एग्जाम नहीं लिया, लेना चाहते हैं तो ले लें, सीट बुक कर लें जल्दी से, क्योंकि एक बार ये टाइम निकलेगा डेफिनेटली फिर आपको जो नए चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपना जो एग्जाम की तैयारी है वो करनी पड़ेगी। ओके गाइस, आई होप कि आज का ये जो हमारा टी विद टेक गुरु मंजीत है, हालांकि मैं चाय अभी पीना छोड़ दिया इसलिए चाय नहीं पी रहा हूँ आपके सामने, चाय मैं अभी नहीं पी रहा हूँ, मेरी टी में गर्मी हो रखी है इस वजह से, लेकिन हमारा जो इसका नाम है शो का वो डेफिनेटली टी विद टेक गुरु मंजीत है, यानी कि मेरे साथ है, और जहां पे आप लोग मेरे से सवाल पूछते हैं और मैं आपके सवालों के देता हूं जवाब। आई होप कि आज जो सवाल आप लोगों ने पूछे थे उनको मैंने एड्रेस करा है, और कुछ ऐसे सवाल थे जो मुझे समझ में नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली छोड़ दिया। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डिटेल के अंदर जो है अपने क्वेश्चन को किसी भी वीडियो के, हमारे टेक गुरु मंजीत के चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन जो है वो लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी हमारा टी विद टेक गुरु मंजीत आएगा उसके अंदर आपके जो क्वेश्चन होंगे उसको एड्रेस कर लिया जाएगा। सो आज की इस पूरी चर्चा के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं एक और नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।